नमस्कार दोस्तों, मैं इंग्लिश यादव। आज हम आप लोगों को वर्णमाला एक नज़र में बताएंगे, जो आपको बहुत किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी परीक्षा में बहुत लाभदायक रहेगा। देखते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वर जो होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। और योगवा स्वर कितने होते हैं, 2 होते हैं, अंग और अ। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है, जिसे हम क से म तक कहते हैं। द्विगुण वर्णों व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 2। जो द्विगुण व्यंजन होते हैं, 2 होते हैं, कौन कौन, ड और ढ। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। और उष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। संयुक्त व्यंजन मतलब जो दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। अब कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।